हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, ये 15 सेलिब्रिटी बने हिंदू, 15 फेमस सेलिब्रिटीज अडॉप्टेड हिंदुइज्म। तो है ना कमाल का टॉपिक। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से 15 जो हैं फेमस लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है दिस साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया के कई लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इसके शांति और अहिंसा जैसे तत्वों को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा इस धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा लेते हैं। हर साल हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों में बहुत से सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं। हम आज आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए या हिंदू धर्म को मानने लगे। आज हम बात करेंगे उन ईसाई और मुस्लिम सेलिब्रिटीज की जिन्होंने अपने धर्म को त्याग कर इस वैज्ञानिक धर्म को अपनाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। बात अगर सेलिब्रिटीज की हो जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जूलिया रॉबर्ट्स का। जूलिया रॉबर्ट्स एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अमेरिका में जन्मी इस प्रसिद्ध एक्ट्रेस ने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है। भारत में 2010 में वे एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई जहां उन्हें हिंदू धर्म इस कदर पसंद आया कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। तब से वे कई मौके पर खुद को एक हिंदू बता चुकी हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जिनका नाम है जॉन कोल्ट्रॉन। ये एक अमेरिकी म्यूजिशियन है। जॉन का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ ही वे धीरे धीरे हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे। बाद में उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया। बात करते हैं तीसरे शख्स की जिनका नाम है ट्रेवर हॉल। ट्रेवर एक अमेरिकी गायक और गिटारिस्ट हैं और एक गीतकार भी हैं। उनका संगीत भी हिंदू धर्म से प्रभावित होता है। उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र भी होते हैं। 2013 में जब वे भारत आए तो वे हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में एक नागा साधु की तरह जीवन व्यतीत किया। अगले सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है KRS-One। KRS-One का असली नाम लॉरेंस कृष्णा पार्कर है। वे अमेरिका के प्रसिद्ध रैप गायकों में से एक हैं। उनके नाम से ही पता चलता है कि वे भगवान कृष्ण से कितना प्रभावित हैं। उन्होंने अपनी किताब द गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप में अपनी धार्मिक विश्वासों की चर्चा की है। वे अपने अमेरिकन रैपर ग्रुप बूगी डाउन प्रोडक्शन के जरिए बहुत मशहूर हुए। अगले शख्स हैं, उनका नाम है जेरी गार्सिया। जेरी गार्सिया अपने ग्रेटफुल डेड नाम के बैंड के चलते फेमस हुए थे। बचपन से ही हिंदू धर्म की ओर उनका रुझान था और आजीवन उन्होंने आगे चलकर हिंदू धर्म को ही अपना लिया। 1995 में उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी अस्थियां भारत में ऋषिकेश में गंगा नदी में प्रवाहित की गई थी। अगली सेलिब्रिटी है जिनका नाम है एलिजाबेथ गिलबर्ट। एलिजाबेथ गिलबर्ट 2006 में आए अपने संस्मरण ईट पे लव के चलते चर्चित हुई थी। वे एक लेखिका हैं। उनकी यह किताब 199 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही थी। एलिजाबेथ अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब को लिखने की प्रेरणा लेने के लिए भारत आई थी और इसी वक्त उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब अगले नंबर पर आते हैं जॉर्ज हैरिसन। संगीत को दिलों जान से चाहने वालों ने जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना होगा। 1960 के दौर में हैरिसन ने ईसाई धर्म को छोड़ा और हिंदू धर्म को अपना लिया। 2001 में उनकी मौत हो गई थी और उनकी अस्थियों को गंगा और यमुना नदी में प्रवाहित किया गया था। अगले नंबर पर आते हैं रसल ब्रांड। रसल ब्रांड अंग्रेजी जगत
में अपनी कॉमेडी को लेकर फेमस हैं और वो एक सिंगर भी हैं। इसके साथ वे जाने माने टीवी प्रोड्यूसर, लेखक और स्क्रीन राइटर भी हैं। लोग उन्हें उनकी प्रसिद्ध फिल्म फॉरगेटिंग सारा मार्शल के लिए याद करते हैं। रसेल ब्रांड हिंदू धर्म के बारे में लेक्चर्स भी देते हैं और ध्यान के पक्के समर्थक हैं। उनके हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण को आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने जब 2010 में केटी परी से शादी की थी तो इसके लिए वे राजस्थान आए जहां हिंदू परंपरा से उनकी शादी संपन्न हुई थी। अब अगले नंबर पर आते हैं अनिरुद्ध ज्ञान सिख। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश लेखक अनवर शेख युवावस्था में कट्टर मुस्लिम थे और भारत विभाजन के दौरान उन्होंने गैर मुस्लिमों की हत्या भी की थी। बाद में उन्हें इस कार्य के लिए पश्चाताप का अनुभव हुआ तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। अंत में उनके अंदर जो प्रश्न थे उनका उत्तर उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिला और वह हिंदू धर्म से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और उन्होंने अपना नाम अनिरुद्ध ज्ञान सिख रख लिया। अब अगले नंबर पर आते हैं डॉक्टर आनंद सुमन। डॉक्टर आनंद सुमन का नाम 80 से आरंभ हुए दशक में चर्चित था। ये छतारी के नवाब के वंशज थे जो इस्लाम त्याग कर हिंदू बन गए थे। अब अगले नंबर पर आते हैं महंत गुलाब नाथ। महंत गुलाब नाथ नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत थे तथा योगी आदित्यनाथ व उनके गुरु महंत अवैधनाथ द्वारा आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। ये जन्म से मुस्लिम थे और इनका असली नाम गुल मोहम्मद था। अब आते हैं अगले नंबर पर और इनका नाम है आशीष खान देव शर्मा। आशीष खान देव शर्मा प्रख्यात सरोद वादक हैं जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद अपने नाम में देव शर्मा जोड़ लिया है। अब अगले नंबर पर बात करते हैं एमआईए की। एमआईए एक श्रीलंकाई मूल की इंग्लिश कलाकार हैं। वे एक पेंटर और गीतकार भी हैं। उनके गानों में हिप हॉप, डांस और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रमुख होता है। उन्होंने दावा किया था कि उनका फेमस सुपर बॉल मिडिल फिंगर एट देवी मातंगी को दिया गया ट्रिब्यूट था। वो देवी मातंगी को मानती हैं और आपको बता दें कि मातंगी एक हिंदू देवी हैं। अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम सेलिब्रिटी पर और उनका नाम है माइली साइरस। माइली साइरस अपने संगीत के साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस के चलते चर्चा में रहती हैं। कुछ साल पहले वे तब चर्चा में आ गईं जब उन्होंने अपने घर में लक्ष्मी की पूजा की और इसके बाद उन्होंने उस फोटो को इंस्टा पर डाल दिया। हालांकि बाद में उन्होंने फोटो हटा ली। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपना करियर सफल बनाने के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया। तो मित्रों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कुछ ऐसे ईसाई और मुस्लिम सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा वीडियो था जिसमें उन्होंने दिखाया कि दूसरे रिलीजन के लोग थे और उन्होंने जब हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा उसके बारे में उनको ज्ञान आया तो वो फैसिनेट हुए। उससे उनको इतना अच्छा वो लगा कि उनको लगा कि हमें हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और वो अपनी खुशी से हुए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बीइंग अ हिंदू हम लोगों को पता है कि हिंदू रिलीजन कितना अच्छा रिलीजन है, इतनी अच्छी शिक्षा देता है, प्यार के भाव, शांति, अहिंसा के अगेंस्ट ये सब वो बताता है। तो इससे अच्छा रिलीजन क्या होगा। तो वही मेरे ख्याल से उसको देख के उसकी लर्निंग्स उसकी टीचिंग से लोगों को शांति मिली होगी। उनको लगा होगा जो मेडिटेशन है क्योंकि इन सबको आप देखोगे ये सब जो है इनके पास पैसा बहुत है, ये फेमस बहुत है। तो जब ये दो चीजें आपके पास आ जाए फेमस और पैसा आपको पता चलेगा वो उनको खुशी नहीं होगी कभी भी। उसमें उसके साथ बहुत टेंशन होती है। हम लोगों के पास जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उनको तो लगता होगा बहुत उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है पर उनकी लाइफ में हमसे ज्यादा मुश्किलें होती होंगी, ड्रग्स होते हैं और भी दूसरी चीजें, प्रेशर और पता नहीं क्या क्या उनकी लाइफ में चलता होगा। तो इतने सब कुछ होने की वजह से जब उनको इस रिलीजन के हमारे रिलीजन के बारे में पता चला होगा उससे उनको थोड़ा जैसे बोलते हैं ना पीस मिली होगी तो वो फैसिनेट किया होगा जिससे वो कन्वर्ट हुए होंगे और उनको लगा होगा कि हिंदुइज्म फॉलो करना चाहिए क्योंकि हिंदुइज्म आपको सिंपल लाइफ के बारे में बताता है। तो वो उससे रियलाइज होगा कि ब्रांडेड चीजें और इस टाइप से गाड़ियां पार्टियां उससे थोड़ा अलूफ होके भगवान का नाम लो क्योंकि अल्टीमेटली आपने इस दुनिया से जाना है और जब आप जाओगे तो इनमें से कोई चीज नहीं आपके पास रहेगी, आपके अच्छे काम जो है वो आपके साथ जाएंगे। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि कई ऐसे मुस्लिम्स हैं, कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कन्वर्ट हुए और मोस्टली लग रहा था कि जिसने इन्होंने बताया उनमें से मोस्टली मेजॉरिटी जो थे म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक की लाइन में थे। हमें ख्याल से म्यूजिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देख के अच्छा लगा कि हमारा हिंदुइज्म जो है उसने एटलीस्ट कुछ जो ऐसे हैं लोग जिनको पीस चाहिए थी
उनको हेल्प की, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो काफी अच्छा था और डेफिनेटली मैं कहूंगा इनमें से मुझे सिर्फ 2-3 सेलिब्रिटी ही पता थे, तो मुझे पता नहीं है, तो काफी सारे थे, मगर मेरी फेमिलियरिटी सिर्फ 3 से थी। मेरे ख्याल से पहले था जूलिया रॉबर्ट्स, माइली साइरस और जॉर्ज हैरिसन, जो भी हैं बीटल्स के, तो ये 3 ठीक है। उसके अलावा जो है मेरे को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं को पता है जो शायद म्यूजिक में हो और जो शायद ज्यादा टीवी देखते हो या मूवीज देखते हो, वो भी ज्यादा मूवीज में नहीं, ज्यादा मूवी वाले भी नहीं थे इसमें, तो मगर जो भी है, मगर मैं यही कहूंगा कि अगर आप दूसरे रिलीजन की किताब पढ़ते हैं और हिंदुइज्म पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो एक आपको डिफरेंस इमीडिएटली पता चल जाता है, वो ये है कि भगवत गीता की जब ट्रांसलेट करते हैं वो स्ट्रेट आपको बता रही है सत्य, स्ट्रेट एक झटके में आप उसको कन्वर्ट करिए, एक आपको पॉइंट बता दिया, कन्वर्ट करिए दूसरा पॉइंट बता दिया, तो कोई घूम फिर के बात नहीं बता रही, स्ट्रेट बता रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो रीडर है उसको बहुत इंटरप्रेट करना पड़े, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, मतलब एक में तो होता है कि आपको बहुत इंटरप्रेट करना पड़ता है, भगवत गीता में ऐसा नहीं है, स्ट्रेट आप कन्वर्ट करिए संस्कृत को हिंदी में या इंग्लिश में, आप रीड करिए, आपको एक पॉइंट समझ आ गया, और उस पॉइंट को बार 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 डिफरेंट तरीके से समझाया गया है, एग्जाम्पल भी दे गए हैं, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगे अच्छा ठीक है ये पॉइंट्स आ गए, फिर आगे जाते हैं चैप्टर लगे वही पॉइंट आ रहे हैं, पहले आपको पता नहीं लगे, पहले आपको लगेगा वास्ट नॉलेज है, मगर अगर आप बार बार पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये 4-5 पॉइंट ही हैं जो मेन है, और उनको बार 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 बताया जिससे आप भूल ना जाएं और आप समझ पाएं एग्जैक्टली वो कितने डीप हैं, फिर आपको पता लगता है कि ये बहुत डीप है, कम सत्य, जरा सा सत्य है मगर बहुत डीप है, तो अगर आप उस डीपनेस को पता कर पाएंगे देन यू विल बी सक्सेसफुल। बंदा समझ लेता है बातों को मगर इंप्लीमेंट करने में आपको तकलीफ आती है, इसलिए एग्जांपल्स दिए हैं, और इंप्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना फिर भी आसान है, और इतनी भगवत गीता पढ़ने के बाद भी इंसान गलत काम करता है फिर याद आता है अरे यार मैं फिर गलत कर गया, तो एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन हो रहा है, और मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई कन्वर्ट करता नहीं करता, मुझे अपने रिलीजन पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत पावर है हिंदुइज्म में, तो उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मैं कहूंगा समझदार हैं जिन्होंने वाकई ऑब्जेक्टिवली सोचा है कि देखिए मैंने इस रिलीजन को इंट्रोडक्शन हुआ है मेरा और मुझे इतना अच्छा लगा मैं चेंज करूंगा, उसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए, दम चाहिए, आपको गट्स चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग चाहिए कि वाकई ही ये बेटर है और मैं कन्वर्ट करूंगा, तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जो ऑब्जेक्टिव थे, समझदार थे, उनको जब डिफरेंस नजर आया उन्होंने एक्ट किया और कन्वर्ट किया, ठीक है। और सभी रिलीजन जो है अच्छी बात कहते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, हर रिलीजन अच्छी बात कह रहे हैं, मगर हिंदुइज्म में डायरेक्ट है, आपको इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा, 1000 लोग आपको नहीं चाहिए समझने के लिए, जैसे और रिलीजन्स में बड़े सारे लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन है, हमारी भी है, मगर कोर इंटरप्रिटेशन हमारी सेम है, क्योंकि जैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं आपको सीधा समझ आ रहा है, आप एक वर्ड लीजिए संस्कृत का, कन्वर्ट करिए इंग्लिश में, मेरा मीनिंग, अब इसमें अगला बंदा जो इंटरप्रेट कितना मूव करते ज्यादा नहीं, राइट, अगर बात स्ट्रेट बताइए आप थोड़ा आप अपना वर्जन बदल देंगे मगर ज्यादा बदल नहीं सकते क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। तो ये तो बात डिबेट आ रही है हिंदुइज्म की पावर की, मगर मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों में ऑब्जेक्टिविटी थी, गट्स थे कि उन्होंने जब देखा वंडरफुल रिलीजन तो उसमें कन्वर्ट किया, तो उनका भला हो रहा है, वेरी नाइस। और हम लोगों की तो किस्मत ही अच्छी है कि हम पैदा हुए थे एज हिंदूज, तो और कहते भी हैं कि अगर आपको ट्रू हिंदू बनना है तो आपको पैदा होना पड़ेगा एज ए हिंदू, तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।